Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And yesterday we have started a cockroach. I have told you about the systematic position of cockroach along with the different body division and number of segment and a dorsal view of the male cockroach. This is what we have learned yesterday. Now today we have to start the general morphology of cockroach, and I will be telling you in brief first about the head part, head followed by mouth part. So we will be having two different views of head. One the front view and then second the side view. The side view diagram is of NCERT, so you have to remember that, and front view diagram is just for understanding purpose. Then in mouth part, we have studied in our arthropoda that cockroach is having biting and chewing type of mouth part, and the different component of mouth part is labrum, labium, maxilla, mandible and hypopharynx. Today I will be telling you a very brief about the structure of these mouth part and how they work. So in today's lecture, first we'll be dealing with the structure present on head actually. So front view of head, side view of head, little bit about the structure of antenna, eyes would be discussed later on in the sensory organs, and then about the mouth part. Okay, so starting with the head of cockroach, I'm just telling you about the anatomical feature. The head of cockroach, सी सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो हेड ऑफ कॉकरोच होता है वो एग्जैक्टली आपके हेड की जैसे पोजीशन नहीं होता. आपका जो हेड है वो टू ऑन द एक्सिस ऑफ बॉडी है. कॉकरोच का हेड 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ बॉडी होगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज द एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच, और टू दिस एक्सिस ऑफ बॉडी जो हेड होगा दैट वुड बी सिचुएटेड और डेट वुड बी लाइक 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ बॉडी. अब इसके दो पार्ट होते हैं. जो अटैचमेंट के पास होता है उस पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो अटैचमेंट से दूर होता है उस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल एंड. जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है, समथिंग लाइक दिस. अ स्वेलन अपर डायरेक्टेड प्रॉक्सिमल एंड इज देयर एंड अ नैरो लोअर डायरेक्टेड डिस्टल एंड इज देयर. तो जो डिस्टल एंड होता है वो बैकवर्ड डायरेक्ट होता है. डिस्टल एंड इज बैकवर्डली डायरेक्टेड एंड प्रॉक्सिमल एंड इज अपवर्डली डायरेक्टेड. ऐसा हेड जिसका डिस्टल एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है और जिसमें माउथ पार्ट नीचे की तरफ होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोग्नेथस. हाइपोग्नेथस इज द टर्म विच इज यूज्ड for the head of cockroach. Why we call that hypognathus? As mouth part are directed downwardly. क्यों mouth part नीचे की तरफ होते इसलिए hypognathus. ठीक है, तो पहला जो term याद रखेंगे कि जो cockroach का head होता है वो hypognathus होता है. कैसी पोजीशन पर होता है? 90 डिग्री टू एक्सिस ऑफ बॉडी. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी से कितने डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री. जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो स्वेलन है, ऊपर की तरफ है हल्का सा, और जो डिस्टल पार्ट है वो नीचे की तरफ है. ये कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच है और कॉकरोच का ये एक्सिस ऑफ बॉडी है. जो हेड होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. कॉकरोच का जो हेड होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. और ये जो डिस्टल पार्ट है ये पीछे की तरफ है ऐसे करके, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो थोड़ा स्वेलन है आगे को. नहीं पूछा जाएगा, बस हाइपोग्नेथस वर्ड याद रखना. दो स्टेटमेंट कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो बॉडी के 90 डिग्री के एंगल पर होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, माउथ पार्ट नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और क्योंकि माउथ पार्ट नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं इसलिए उसको बोलते हैं हाइपोग्नेथस. तो हेड ऑफ कॉकरोच इज व्हाट टाइप? हाइपोग्नेथस. ठीक है बच्चों, नाउ अब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच, इन द हेड ऑफ कॉकरोच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज? द आंसर वाज सिक्स. सिक्स सेगमेंट्स वर देयर. सिक्स स्क्लेराइट के फ्यूज होने से बना था, अगर कल का लेक्चर याद हो तो. एक मैं फ्रंट व्यू बता देता हूँ, छह स्क्लेराइट भी बता दूंगा. छह काइटिनस प्लेट जो फ्यूज होकर पूरा हेड कैप्सूल बना रही है. तो पहले फ्रंट व्यू और उसके बाद साइड व्यूज. ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी टेल यू, आई गेस हाइपोग्नेथस टर्म इज क्लियर एंड 90 डिग्री का कंसेप्ट इज क्लियर. लेट मी शो यू
द फ्रंट व्यू ऑफ कॉकरोच हेड, फ्रंट व्यू ऑफ हेड। और देखो फ्रंट व्यू वगैरह ना तो एनसीईआरटी में है और ना ही इससे जनरली क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए डायग्राम बताया जाएगा। जो साइड व्यू है वो एनसीईआरटी में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी लेबलिंग जरूर याद रखेंगे। तो बच्चे जब फ्रंट व्यू ऑफ हेड की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच के हेड को ना आप ऐसे देख रहे हो, पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे और फिर नीचे की तरफ वाला बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जो सबसे टॉप पर होता है, जो टॉप एरिया ऑफ कॉकरोच हेड होता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एट द टॉप हेयर इज वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इज द टॉप पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल। वर्टेक्स शायद यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होगी, तो लेट मी मेक इट हेयर। वर्टेक्स इज द टॉप पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल, जब आप ऊपर से देख रहे हैं। और जो वर्टेक्स होता है ये एक लैम्डा टाइप पार्टीशन से डिवाइड हो जाता है, इट हैज बीन डिवाइडेड बाय ए पार्टीशन व्हिच इज समवाट लैम्डा टाइप। और ये पार्टीशन के बाद दो अलग अलग स्क्लेराइट में डिवाइड हो जाता है। जो दो अलग अलग स्क्लेराइट है, देखो हेड का जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रेनियम, और ये क्रेनियम के ऊपर है तो इसको बोलते हैं एपिक्रेनियल। ये स्क्लेराइट होता है एपिक्रेनियल प्लेट, और इसी को बोलते हैं बेटा ऑसिपट। तो ऑसिपट और एपिक्रेनियल प्लेट कितना होता है नंबर, देयर इज वन एपिक्रेनियल प्लेट एंड अदर एपिक्रेनियल प्लेट। तो जो वर्टेक्स है टॉप ऑफ द हेड वो डिवाइड होता है एक लैम्डा टाइप सूचर से। देखो सूचर का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट को हम सूचर कह देते हैं, इमूवेबल जॉइंट को सूचर कहते हैं। तो ये जो पार्टीशन है इसका नाम होता है एपिक्रेनियल सूचर। तो एपिक्रेनियल सूचर डिवाइड कर देता है वर्टेक्स को इन द टू डिफरेंट पार्ट, इनको बोलते हैं एपिक्रेनियल प्लेट और ऑसिपट। तो वर्टेक्स के टॉप पर क्या मिलेगा, एट द टॉप ऑफ वर्टेक्स व्हाट इज देयर, एपिक्रेनियल प्लेट। एट द टॉप ऑफ वर्टेक्स व्हाट इज देयर, एपिक्रेनियल प्लेट। तो ये कुछ ऐसा है कि आप ना मेरे हेड को यहां से देख रहे हैं, ये एक एपिक्रेनियल प्लेट और ये दूसरी एपिक्रेनियल प्लेट, आप हेड को यहां से देख रहे हैं। तो व्हेन यू हैव बीन पुटिंग हेड हियर, दिस इज वन एपिक्रेनियल प्लेट एंड दिस अदर एपिक्रेनियल प्लेट, और दोनों अटैच है इमूवेबल जॉइंट से, तो मूव वगैरह नहीं करता है, ठीक है बेटा। नाउ ऑन द हेड आई एम एक्सटेंडिंग इट समथिंग लाइक दिस। ऑन द हेड हेयर सबसे पहले लेटरल साइड पर डार्क ब्लैक कलर्ड आई नजर आएगी, एंड दीज डार्क ब्लैक कलर्ड आई इज नोन एज, यस प्लीज व्हाट शुड बी द नेम, कंपाउंड आई। दीज डार्क ब्लैक कलर्ड आई इज नोन एज कंपाउंड आई। देखो जो कंपाउंड आई होती है वो खूब सारी विजुअल एलिमेंट से बनी होती है, और जब एक्सटर्नल व्यू की बात करते हैं तो खूब सारे विजुअल एलिमेंट्स कुछ ऐसे विजिबल होते हैं। एक कॉकरोच के कंपाउंड आई में तकरीबन 2000 विजुअल एलिमेंट होते हैं जिनको कहते हैं ओमेटीडिया। ओमेटीडिया का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ाऊंगा सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच में। तो अभी याद ये रख लें कि लेटरल साइड पर दो बड़ी बड़ी डार्क ब्लैक कलर की कंपाउंड आई होती है, ठीक है। देन डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट। देखो आपको दो तरह की कंपाउंड आई बताई हुई मैंने, ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों के दोनों हैं आपके एपिक्रेनियल प्लेट में। ये छोटे छोटे स्पॉट लाइक दिस, एपिक्रेनियल प्लेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, लेट मी मेक एपिक्रेनियल प्लेट लाइक दिस, लेट से अप टू हियर इज एपिक्रेनियल प्लेट, ठीक है बच्चों। तो एपिक्रेनियल प्लेट में होती हैं दो डार्क कलर की कंपाउंड आई और दो छोटी छोटी सिंपल आईज आल्सो प्रेजेंट। जो सिंपल आई थी उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था आर्थ्रोपोड में, उनको बोलते हैं ऑसिलाई, तो इसको ऑसिलाई स्पॉट भी कहते हैं। और सिंपल आई के लिए वर्ड यूज होता है फेनिस्ट्रा, सिंपल आईज आल्सो नोन एज फेनिस्ट्री। तो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है कंपाउंड आई, और डोर्सल साइड पर, डोर्सो लेटरल कह दो उसको, डोर्सो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है सिंपल आई। इंसेक्ट वगैरह में, बाकी के इंसेक्ट में ये जो सिंपल आई है ये फोटो रिसेप्टर का काम करती है,
मगर कॉकरोच में सिंपल आई वेस्टिजियल होती है, दे आर नॉन फंक्शनल इन नेचर. सिंपल आई इज वेस्टिजियल और दे आर नॉन फंक्शनल इन नेचर. बाकी के इंसेक्ट में वो भले ही काम करती हो फोटो रिसेप्टर का. तो एपिकेरियल प्लेट के ऊपर होती है आपकी डार्क कलर कंपाउंड आई एज वेल एज सिंपल आई. और सिंपल आई के साथ साथ हेयर आपको सॉकेट्स नजर आएंगे एंड दीज आर द एंटीनर सॉकेट्स. हेयर वुड बी प्रेजेंट सॉकेट्स विच वी कॉल एंटीनर सॉकेट. और एंटीनर सॉकेट से अराइज होगा एंटीना. फ्रॉम एंटीनर सॉकेट दे वुड बी अराइजिंग हाईली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर और जॉइंटेड स्ट्रक्चर. फ्रीली मूवेबल जॉइंटेड स्ट्रक्चर, इसको डॉट में इसलिए बनाए ताकि सिंपल आईना गायब हो जाए. फ्रीली मूवेबल जॉइंटेड स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं एंटीना. तो बच्चे एपिकेरियल प्लेट पर क्या क्या मिल जाएगा आपको? एंटीना मिल जाएगा जिसका स्ट्रक्चर मैं अभी बता दूंगा, कंपाउंड आई मिल जाएगी और सिंपल आई मिल जाएगी. कंपाउंड आई में क्या होता है, 2000 विजुअल एलिमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ओमेटीडिया. ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 ओमेटीडिया. ओमेटीडिया को पढ़ेंगे आगे चल के, ओमेटीडिया को पढ़ेंगे आगे चल के. ईच राइट, ठीक है भाई. तो वर्टेक्स, वर्टेक्स के नीचे एपिकेरियल प्लेट जो ओसीपट होती है. एपिकेरियल प्लेट के अंदर होते हैं कंपाउंड आई, सिंपल आई एंड एंटीना. फिर एपिकेरियल प्लेट के नीचे आपको नजर आएगा एक ट्राइंगुलर शेप्ड, एक ट्राइंगुलर शेप्ड काइटिनियस प्लेट मिलेगी. यहाँ पर ट्राइंगुलर शेप्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर वुड बी देयर जिसका नाम होता है फ्रॉन्स. दिस काइटिनियस स्ट्रक्चर विच इज समवॉट ट्राइंगुलर शेप्ड, इसका ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि एपिकेरियल प्लेट सामने नजर आ रही है. एपिकेरियल प्लेट के नीचे होता है फ्रॉन्स और फ्रॉन्स का शेप होता है ट्राइंगुलर. और फ्रॉन्स जो होता है वो आपका फोर हेड के जैसा होता है. तो इनका जो फोर हेड है वो शेप में थोड़ा ट्राइंगुलर होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अभी हमें ना ये फ्रंट पार्ट पे पूरा ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ पार्ट आपके एपिकेरियल प्लेट से कवर हो जाते हैं जब फ्रंट व्यू बनाते हैं. तो फ्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू फोर हेड. और फ्रॉन्स के नीचे बिलो टू फ्रॉन्स एक समवॉट रेक्टेंगुलर काइटेनियस प्लेट नजर आएगी जिसका नाम होता है क्लाइपियस. तो क्लाइपियस इज समवॉट रेक्टेंगुलर एंड फ्रॉन्स इज समवॉट ट्राइंगुलर, ठीक है बच्चों. क्लाइपियस से अराइज होता है, क्लाइपियस से अराइज होता है अ फ्रीली मूवेबल अपर लिप. अपर लिप के लिए क्या वर्ड यूज किया था, अ फ्रीली मूवेबल अपर लिप अराइजेस फ्रॉम क्लाइपियस. व्हाट वाज द नेम फॉर अपर लिप, प्लीज से लैब्रम. अब लैब्रम जो है वो काइटिनियस स्ट्रक्चर नहीं है, वो हेड का सेगमेंट नहीं है. हेड के सेगमेंट को काउंट करें, 1 2, फ्रॉन्स इज 3, क्लाइपियस इज 4. सर दो मिसिंग है, पहले वो दो ही बना लेते हैं. क्लाइपियस के साइड में, इन द साइड ऑफ क्लाइपियस आपको काइटिनियस प्लेट नजर आएंगी जो पांचवा और छठा सेगमेंट होता है. इनको बोलते हैं जीना, इनके लिए नाम होता है जीना. और जीना क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द चिक्स ऑफ कॉकरोच. तो देखो ये कुछ ऐसा है, हेड एपिकेरियल प्लेट, फिर यहाँ पे क्या आ गया फ्रॉन्स. फ्रॉन्स के नीचे क्या, ये वाला बॉक्स क्या है जहाँ अपर लिप अटैच है, दिस बॉक्स इज क्लाइपियस. और साइड में ये जो ये है क्या है, जीना. तो दो जीना, तीसरा क्लाइपियस, चौथा फ्रॉन्स, पांच और छह सेगमेंट हो गए पूरे. दिस इज 5 और दिस इज 6. तो ये तो 6 सेगमेंट हो गए जिनके फ्यूज होने से हेड बना है. तो लैब्रम अपर लिप हो गया. लैब्रम के पीछे की साइड हो गए लेबियम. तो लेबियम आपको यहाँ नजर ना आके, लेट से मैं लेबियम के कुछ पार्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, दे आर सर्टेन पार्ट ऑफ लेबियम विच इज विजिबल समथिंग लाइक दिस. अभी लेबियम का ना मैं स्ट्रक्चर भी बना दूंगा तो शायद इन पार्ट को आप विजुलाइज कर सके कौन से पार्ट है. तो छह कौन कौन से सेगमेंट हो जाते हैं हेड में, 2 एपिकेरियल प्लेट, 1 फ्रॉन्स, 1 क्लाइपियस और 2 जीना. ये 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से हेड बना है, ठीक है बच्चे. अब यहां पर साइड में आपको ना जॉ भी नजर आ जाएंगे. इन द साइड्स यू कैन विजुलाइज जॉज हेयर. लेट्स से दिस हेयर
इज द विजुअलाइजेशन ऑफ मैंडिबल. दिस हेयर इज विजुअलाइजेशन ऑफ मैंडिबल. और मैंडिबल के नीचे रहेगा आपका मैक्सिला एंड दिस हेयर इज मैक्सिला. कुछ ऐसा करके होगा सामने. और मैक्सिला से अराइज होंगे मैक्सिलरी पैल्प. मैक्सिला से अराइज होंगे मैक्सिलरी पैल्प. जब मैक्सिला का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा. और लेबियम से अराइज होंगे लेबियल पैल्प. लेबियल पैल्प इज 3 segmented एंड मैक्सिलरी पैल्प इज 5 segmented. अब मैं इसकी ना लेबलिंग कर देता हूँ. व्हाट इज दिस हेयर? दिस इज मैंडिबल ऑलरेडी लेबल्ड. ब्लैक में क्या है? मैक्सिला. ये क्या है? मैक्सिलरी पैल्प. पैल्प वर्ड यूज करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर के लिए. तो मैक्सिलरी पैल्प के ऊपर बेटा टच, स्मेल एंड टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं. ये क्या है यहाँ पर? लेबियम. लेबियम के जो पैल्प है इनको क्या बोलेंगे? लेबियल पैल्प. और लेबियल पैल्प पर क्या होता है? इसके पास भी स्मेल और टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं. टच वगैरह के नहीं होते. जब मैक्सिला और लेबियम पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. अब मैं ना आगे चल के देखो आपको लेबियम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, लेबियम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, मैक्सिला का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और मैंडिबल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा. मैंडिबल और मैक्सिला के स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा. तो ये तो मैंने बताया सिर्फ आपको फ्रंट व्यू ऑफ हेड. दिस इज यूर फ्रंट व्यू ऑफ हेड. एम आई क्लियर अप टू हेयर? तो एक क्विक रिविजन करा देता हूँ, उसके बाद साइड व्यू जो NCERT वाला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे. फ्रंट व्यू ऑफ हेड तो ये समझने के लिए होता है कि कौन कौन से 6 अलग अलग काइटेनियस स्क्लेराइड से फ्यूज होकर हेड बनता है. अभी तो कंप्लीट एक हेड कैप्सूल है एडल्ट में, पर ये 6 अलग अलग होते हैं. 2 एपिकेरियल प्लेट, 2 जीना, 1 फ्लोन्स और 1 क्लाइपियस. अच्छा, अगर इस सूचना का नाम होगा तो क्या होगा नाम इसका? इट इज फ्रंटो क्लाइपियल सूचर. और इसका नाम क्या होगा? क्लाइपियो लेबरल सूचर. कि जो ये काइटिनियस प्लेट है वो कैसे अटैच होती है सूचर से. दिस इज योर फ्रंटो जीनल सूचर. दिस इज फ्रंटो जीनल सूचर. तो बेटा ये एक मैंने कोशिश की है कॉकोच से बात करने की. कॉकोच तुम एक काम करो, यू आर गोइंग फॉर एन एडिशन ऑडिशन, तो आप ना मुझे अपना एक फेस व्यू दे दो, फ्रंट फेस व्यू. तो ही इज़ नॉट स्माइलिंग एक्चुअली, या फिर सोच लो आप स्माइल कर रहा है. वो जो भी है बना देगी स्माइली. ग्रेट. एनीवेज, कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, जो हेड ऑफ कॉकरोच होता है वो 6 अलग अलग काइटिनियस प्लेट के फ्यूजन से बनता है. जो हेड कैप्सूल का टॉप होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स डिवाइड होता है एक लैम्डा लाइक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं एपिक्रेनियल सूचर. एपिक्रेनियल सूचर डिवाइड कर देता है वर्टेक्स को 2 अलग अलग प्लेट में. उनको बोलते हैं ऑसिपट या एपिक्रेनियल प्लेट. एपिक्रेनियल प्लेट में होती है कंपाउंड आई, सिंपल आई और एंटीना. कंपाउंड आई को आगे पढ़ेंगे, सिंपल आई के बारे में याद रखें. वो वेस्टिजियल होती है कॉकोच में, जबकि बाकी के अंदर वो फोटोरिसेप्टर का काम करती है. कुछ बुक्स में लिखा होगा, मैं देख रहा हूँ बच्चे ना ट्रूमैन वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो ट्रूमैन में लिखा होगा दे आर सेंसिटिव टू लाइट, पर आप वेस्टिजियल याद रखें वो ज़्यादा एक्यूरेट है. देन जो फ्लॉन्स होता है लिटिल बिट ट्राइंगुलर, क्लाइपियस रेक्टेंगुलर. क्लाइपियस से अटैच होता है फ्रीली मूवेबल लेबरम. लेबरम के पीछे होगा लेबियम. तो लेबियम यहाँ पे दिखा दिया. लेबियम 2 नहीं है, एक ही लेबियम के 2 अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं. एक्चुअली लेबियम एक ही होता है. देन साइड में मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे मैक्सिला. मैक्सिला से निकलेंगे पैल्प जिसको मैक्सिलरी पैल्प कहेंगे, और लेबियम से भी निकलेंगे पैल्प जिसको लेबियल पैल्प कहेंगे. ये हो गया बेटा आपका फ्रंट व्यू. आई गेस आई मेक ए वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फ्रंट व्यू, राइट? अब पढ़ते हैं साइड व्यू. अगर आपको ये पोजीशंस वगैरह समझ में आ गई है, देखो अब मैंने कॉकोच को बोला कि आपने प्लीज़ ऐसे खड़े हो जाए, तो आपको ना इधर से नज़र आएगा. आपको एक कंपाउंड आई नज़र आएगी, एक सिंपल आई नज़र आएगी, फिर आपको ना माउथ पार्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ अपर लिप, अपर लिप के नीचे क्या होगा? अपर लिप के नीचे होगा लोअर जॉ. और लोअर लिप के ऊपर क्या होगा? लोअर लिप के ऊपर होगा अपर जॉ. तो अपर जॉ, लोअर जॉ, अपर लिप, लोअर लिप, ये 4 चीज़ की लेबलिंग बताया था फ्रॉम द साइड व्यू. और वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि NCERT का डायग्राम है. ये NCERT वगैरह में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है? कॉको से जो क्वेश्चन आया था डेट वॉज वेरी वेरी इजी दिस ईयर. और आई होप कि आपके टाइम पर भी इजी ही आए तो ज़्यादा बेटर है. वैसे आपको हर चीज़ पढ़ा दी जाएगी, तो क्या ईजी हो क्या मुश्किल. ऐसा कहते हैं कि वो चीज़ मुश्किल है जो आपने पढ़ी नहीं है, और जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो वो ईजी हो जाती है, राइट? एनीवेज,
साइड व्यू पढ़ते हैं अब। सो साइड व्यू ऑफ कॉकरोच हेड, साइड व्यू ऑफ कॉकरोच हेड। साइड व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे फ्रंट व्यू से, सर एक ही बात हमें समझ आ गई, आप परेशान मत होइए। ओके, तो मिस्टर कॉकरोच और मिसिस कॉकरोच जस्ट गिव अस ए साइड पोज। तो जब साइड पोज देने की बात कही तो आपको साइड व्यू कुछ ऐसा नज़र आएगा, लेट से आई एम मेकिंग अ साइड व्यू हेयर, लेट मी मेक इट अगेन फ्रॉम द टॉप, आई मस्ट स्टार्ट दैट साइड व्यू पार्ट। ओके, इन द साइड व्यू हेयर दे समथिंग विच इज लाइक दिस, आई रियली वॉन्ट यू टू स्पीक अप वॉट इट इज, समथिंग विच इज मेड अप ऑफ 2000 विजुअल एलिमेंट एंड दिस 2000 विजुअल एलिमेंट आर नोन एज ओमेटीडिया। वॉट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर? ओके, जिसने भी कहा कंपाउंड आई गॉट अ टॉफी फ्रॉम माई साइड। ओके, एंड हेयर इज समथिंग लाइक दिस, वॉट इज दैट? Somebody says सिंपल आई। What is the other name of simple eye? Fenestra or ocelli? वो मैं पीछे mention कर दिया। And here is a socket which we call antennae socket, and from this antennae socket arises a thread-like होता है तो उसको filiform भी कह देते हैं, a thread-like freely movable structure which is having sensory receptor, a thread-like freely movable structure which is having sensory receptor, jointed appendages से बनी है। तो इसके जो जॉइंटेड अपनडेजेस हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पोडोमियर, इसके जॉइंटेड अपनडेजेस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे पोडोमियर। लेट्स से ये एक एंटीना ये है और दूसरा एंटीना उसके पीछे से भी नज़र आ रहा है, भाई दूसरा साइड ऑफ हेड भी तो होगा ना, वहाँ से भी एंटीना राइज हो रहा है, तो मैं एंटीना कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ हियर दिस पार्ट इज अपर लिप, एंड व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अपर लिप? यस प्लीज, What is the term which is used for upper lip? Say it. आप कहते ही नहीं, मुझे कभी आवाज़ नहीं आई आपकी। खैर, some good news are के from Monday we will be having offline classes and I will be taking offline class in Narnol on Monday. So I really feel like तब आप मुझे बता पाएंगे। So this part is labrum here. Upper lip. What should be beneath upper lip? The second part here. What should be this? Let's say this part here, and this part is characterized by certain teeth-like structure. What should be the name of this part, which is beneath upper lip? अब देखो, आप ऐसे नहीं कहेंगे सर upper lip के पीछे upper jaw, upper lip के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। Upper lip के नीचे क्या होगा ये? This is mandible. Upper lip के नीचे mandible. ठीक है। Now, here is upper, ये mandible और ये maxilla यहाँ पर, let's say this here is maxilla. और maxilla के नीचे क्या होना चाहिए? What should be present beneath maxilla? Somebody said and that is very right. So beneath maxilla, there should be lower lip. And what is the name for lower lip? Lower lip is known as mandible. Here it is. Mandible which is present. Is that clear? तो मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ आपकी। ये जो ये एरिया बेटा, ये क्या है? This is mandible. This is maxilla. Maxilla से palp भी आने चाहिए. From maxilla there would be palp which are arising. अभी बताएं maxillary palp कितने segmented होते हैं? लेट्स से 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पैल्प कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको। लेबियल पैल्प में नहीं बना रहा हूँ, जस्ट नोट टू मेक दिस डायग्राम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो जब आपको ना, जब आप देखेंगे डायग्राम, पहले तो मैं इन स्ट्रक्चर का सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले लैब्रम,
लेब्रम इज फॉलोड बाय मैंडिबल, मैंडिबल इज क्लोज टू लेबियम एंड लेबियम इज फॉलोड बाय मैक्सिला। प्लीज़ ये लेबलिंग याद रखेंगे, ये डायग्राम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जो मैंने बताया था याद रखने के लिए, अपर लिप के नीचे लोअर जॉ और अपर जॉ के नीचे लोअर लिप, या लोअर लिप के ऊपर अपर जॉ। लोअर लिप किसको बोला था मैंने, क्यों उसको मैंडिबल लिख दिया सर? सर दिस इज लेबियम, हम तो इतनी देर से कह रहे थे आप सुन नहीं रहे हमारी बात, दिस इज लेबियम हेयर। तो अपर लिप, मैंडिबल, लोअर लिप एंड मैक्सिला, एंड दीज आर मैक्सिलरी पैल्प। ऐसे ही यहाँ से लेबियल पैल्प निकल जाएंगे जो मैं नहीं शो कर रहा हूँ। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स हेयर? दीज आर एंटीने। व्हाट इज दिस? एंटीनरी सॉकेट। लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, लेबियम एंड मैक्सिला। तो अगर साइड व्यू की बात करें तो कॉकोच का साइड व्यू कुछ ऐसा नजर आता है। जब आप कॉकोच के साइड व्यू में देखोगे, देखो आप अगर सोच रहे हो उसके माउथ पार्ट मेरे जैसे हैं तो आंसर इज नो, मेरा जो फेस है वो ऑर्थोगनेथस है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है, और इसका जो फेस है वो हाइपोगनेथस है। अब ऑर्थोगनेथस हाइपोगनेथस की टर्म नहीं डिस्कस कर रहे हम, हाइपोगनेथस मैंने बताया कि माउथ पार्ट नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो इनका जो फेस होगा ना ऐसे माउथ पार्ट सारे मिलके ओरल कैविटी बना लेंगे, बीच में होगा माउथ, तो माउथ पार्ट ना ऐसे डायरेक्टेड है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपका अपर लिप है उसके नीचे क्या होगा? लोअर जॉ, और जो आपका ये जो आपका अपर लिप है उसके नीचे लोअर जॉ, और जो आपका लोअर लिप है उसके ऊपर अपर जॉ। कुछ ऐसे याद रखना है, हमारे उसमें नहीं, मतलब हमारे फेस के जैसा नहीं है कॉकोच का फेस। अदरवाइज कहोगे सर देखो अपर लिप उठा के दिखाया मुझे तो अपर जॉ नज़र आ रहा है इसके नीचे, नहीं, हमारा जो फेशियल अरेंजमेंट है वो अलग है, इसका हाइपोगनेथस है, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बताएं। इज दैट क्लियर अप टू हियर? तो फेस के दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए, दिस फेस क्यों कह रहा हूँ मैं, हेड के दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए, दिस इज अ साइड व्यू। अब इसके साथ ना एंटीना का मैं डायग्राम बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट एंटीना। जो कॉकरोच होता है उसका, उसके एंटीनाज कैसे होते हैं, और एंटीना के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माउथ पार्ट। अब माउथ पार्ट्स में क्या होगा आपका? माउथ पार्ट्स वुड बी हैविंग ऑल द मैक्सिला, मैंडिबल, लेबियम, लेब्रम एंड हाइपोफेरिंग्स, तो उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर मैं छोटा सा बात करूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना वुड बी लाइक दिस। देखो बेटा ये होते हैं एंटीनरी सॉकेट, और एंटीनरी सॉकेट से जो सबसे पहला सेगमेंट निकलता है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एंटीना ना कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ये सेगमेंट का नाम लिखना चाहूँगा। द फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज स्केप, फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज स्केप, और जो सेकेंड सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल। द सेकेंड सेगमेंट इज नोन एज पेडिसिल, और बाकी के सेगमेंट को अलग अलग नाम नहीं दिया है क्योंकि खूब सारे सेगमेंट होते तो कहाँ तक नाम याद रखते। बाकी के जो सेगमेंट आने शुरू हो जाएंगे दे वुड बी लाइक दिस, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी के सेगमेंट है इसको ना एक कॉमन, क्योंकि फ्रीली मूवेबल है एंड दे मूव लाइक फ्लैजिला, इसलिए बाकी के सेगमेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैजिलम। बाकी के सेगमेंट, ये फ्लैजिलम थोड़ा अलग है, पर तीन अलग अलग पार्ट। फ्लैजिलम क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है, और पेडिसिल इज सेकेंड सेगमेंट और स्केप इज फर्स्ट सेगमेंट। वैसे सेगमेंट के लिए ना एक वर्ड और यूज़ करते हैं, सारे सेगमेंट को जब कलेक्टिवली कहते हैं तो उनको बोलते हैं पोडोमियस। तो मेनली जो एंटीना होता है वो थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक सेगमेंटेड, जॉइंटेड सेगमेंट से बना है, और इन जॉइंटेड सेगमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पोडोमियर। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्केप, और जो सेकेंड सेगमेंट है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेडिसिल। और स्केप और पेडिसिल के बाद जितने भी सेगमेंट है क्योंकि फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं उसको बोलते हैं पोडोमियर। आप ये भी याद रखेंगे इनके सेगमेंट के ऊपर होते हैं बहुत ही माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सीलिया नहीं है, इन माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल के ऊपर होते हैं बेटा सारे के सारे सेंसरी रिसेप्टर। ब्रिस्टल्स आर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट
ओवर द सेगमेंट्स, और जो ब्रिस्टल होते हैं उनके ऊपर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर. ब्रिस्टल हैव सेंसरी रिसेप्टर्स. ओ ब्रिस्टल के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं टू सेंस द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. दे हेल्प टू सेंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर? टू बी वेरी एग्जैक्ट, इट वुड बी हैविंग रिसेप्टर ऑफ टच, इट वुड बी हैविंग रिसेप्टर ऑफ स्मेल, इट वुड बी हैविंग रिसेप्टर ऑफ टेस्ट, एज वेल एज इट इज हैविंग रिसेप्टर टू परसीव वाइब्रेशन. तो खाना ढूंढने में भी हेल्प करता है एंटीना, वाइब्रेशन परसीव करने में हेल्प करता है एंटीना, स्मेल में हेल्प करता है एंटीना, एंड ऑल द फंक्शंस. ये एंटीना का डायग्राम है. जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. वो तो ऐसे ही मुझे कई बार लगता है कि बता देना चाहिए, शो ऑफ कर देना चाहिए कि भाई ये भी मैं ये भी पढ़ाता हूँ. तो एंटीना का डायग्राम इज ओके. ठीक है, अब बच्चों आता है नेक्स्ट पार्ट, यूअर माउथ पार्ट. हेड के अंदर सेकेंड पार्ट जो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हेड के बाद, डैट शुड बी माउथ पार्ट. माउथ पार्ट को तो हमने डिस्कस किया भी था, मुझे ऐसा याद आता है आर्थोपोड वगैरह में मैंने बता दिया था भाई कॉकरोच के पास कैसे माउथ पार्ट होते हैं. माउथ पार्ट को ना आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं माउथ पार्ट बना के दिखा दूंगा आपको. माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, कोई बताएगा मुझे माउथ पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच में? अगर कोई कह रहा है बाइटिंग एंड चीविंग टाइम, तो बहुत सही बात कह रहा है और मैंने भी बताया भी था एक्चुअली. तो माउथ पार्ट होते हैं बाइटिंग एंड चीविंग टाइप. अब अटेंशन केयरफुली, माउथ पार्ट के मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, इनकी स्ट्रक्चर की डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है. आपसे अगर सवाल पूछा गया तो सवाल पूछा जाएगा रिकग्निशन से. तो माउथ पार्ट में क्या क्या होता है पहले तो ये बता देता हूँ. कंपोनेंट्स ऑफ माउथ पार्ट, इनके पास होता है एक लेबरम जो अपर लिप का काम करता है, फिर होता है एक लेबियम जो लोअर लिप का काम करता है, फिर होता है दो मैक्सिले जो अपर जॉ के जैसा है, फिर होते हैं दो मैंडिबल जो लोअर जॉ के जैसे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है हाइपोफैरिंक्स, जहाँ पे इनकी सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट आगे ओपन होती है तो उसको टंग के जैसा कह देते हैं, हाइपोफैरिंक्स. ठीक है बेटा, अब वन बाय वन लेब्रम से शुरू करते हैं. मैं कुछ बॉक्सेस बना दूं यहाँ पर, चलो मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन सारे दिखाने के लिए. लेब्रम, लेब्रम का दूसरा नाम क्या है? अपर लिप. अगर मैं लेब्रम की स्ट्रक्चर आपको बताऊँ, लेब्रम का जो स्ट्रक्चर है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स से दिस इज द अपर पार्ट ऑफ लेब्रम. एंड लेब्रम की जो करेक्टरिस्टिक फीचर होती है उसके अंदर ना एक नॉच होती है, इन द सेंटर इज अ नॉच हियर, एंड द पार्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस. तो वो स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में एक नॉच है और यहां पर एम्बेडेड होता है टेस्ट रिसेप्टर, यहां पे एम्बेडेड होते हैं उसके टेस्ट रिसेप्टर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिफेरिंग्स. वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक नॉच होती है और साथ में एपिफेरिंग्स इज एम्बेडेड इन द सेंटर, एपिफेरिंग्स इज ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इट इज ऑर्गन ऑफ टेस्ट, वो स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका लेब्रम. समझ में आई बात? लेब्रम वुड बी हैविंग सर्टेन मसल्स अटैच टू इट. लेब्रम एक फ्रीली मूवेबल बताया था. लेब्रम किसके नीचे होता है? लेब्रम इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द क्लाइपियस पार्ट. तो दीज आर द मसल्स विच आर होल्डिंग द मूमेंट ऑफ लेब्रम, एंड लेब्रम इज हैविंग ए नोच अलोंग विद फेरिंग्स. ठीक है, लेब्रम का काम क्या होता है? लेब्रम ना इन कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है. अगर आपसे लेब्रम का काम वगैरह पूछ लिया गया तो आप बताएंगे लेब्रम हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ फूड. ये लेब्रम का स्ट्रक्चर आप ये याद रख लेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेब्रम, और आप इसको यहाँ तक याद रख लेंगे. ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, मैंडिबल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट मैंडिबल। तो अगर मैंडिबल को आप डिस्कस करेंगे, मैंडिबल वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैंडिबल को जब हम वीव की बात करेंगे, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैंडिबल के अंदर एक पार्ट होता है जो ग्राइंडिंग पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है जो इंसिजिंग पार्ट होता है। इन मैंडिबल देर इज़ अ पार्ट विच इज़ हैविंग टीथ, इसको बोलते हैं इंसिजिंग पार्ट, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है डेट इज़ ग्राइंडिंग पार्ट, समथिंग लाइक दिस। एंड मैंडिबल में यहाँ पर होता है काइटेनियस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्रोस्थिका। एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ प्रोस्थिका इज़ नॉट नॉन, ऐसा कहा जाता है कि वो अटैचमेंट ऑफ मसल में हेल्प करता है। तो अगर मैंडिबल को बनाएंगे, मैंडिबल वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो मैंडिबल में कुछ मसल्स होंगी जो मैंडिबल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इन मसल्स के लिए नाम भी होता है, एक होती है एबडक्टर मसल, एबडक्टर मसल, और दूसरी होती है एडक्टर मसल, दूसरी होगी एडक्टर मसल। तो एबडक्टर और एडक्टर ना दोनों की दोनों एंटागोनिस्ट होती है, एक मैंडिबल को इस तरफ मूव करने में हेल्प करेगा तो दूसरा मैंडिबल को उस तरफ मूव करने में हेल्प करेगा। अब मैंडिबल के अंदर एज आई एम टेलिंग यू, एक होता है ग्राइंडिंग पार्ट और एक होता है इंसिजिंग पार्ट। तो लेट से ये जो ये पार्ट है ये इंसिजिंग पार्ट है जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो ये पार्ट है दिस इज ग्राइंडिंग पार्ट। तो मैंडिबल का काम क्या होता है, मैंडिबल हेल्प करता है इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड कट इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, इट हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन, इट कट एंड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, कट का मतलब हुआ तोड़ना। कट एंड मैस्टिकेट फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन अगर पूछा जाए तो आंसर करेंगे लेबियम। ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन पूछा जाए तो आंसर करेंगे मैंडिबल, नॉट लेबियम। माय पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं। ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन पूछा जाए तो आंसर करेंगे मैंडिबल, ठीक है। तो बच्चों जहाँ लेबियम का काम था, इट होल्ड फूड पार्टिकल ड्यूरिंग फीडिंग। जब आपका कॉकरोच फीडिंग कर रहा है उस वक्त फूड पार्टिकल को कौन होल्ड करता है, आंसर इज लेबियम। वहीं जो मैंडिबल होता है वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है फूड पार्टिकल के, क्योंकि मैंडिबल के अंदर कुछ टीथ लाइक प्रोसेस है जिनको बोलते हैं इंसिजिंग पार्ट, और टीथ लाइक प्रोसेस के बाद कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं काइटिन के ही बने हुए, ये सारे ना काइटिन के स्ट्रक्चर हैं माउथ पार्ट, उनको बोलते हैं ग्राइंडिंग पार्ट। प्रोस्थिका, विच ऑफ द माउथ पार्ट इन कॉकोच कंसिस्ट ऑफ प्रोस्थिका, आंसर इज मैंडिबल। इस प्रोस्थिका का कोई भी क्लियर फंक्शन वगैरह नहीं है। Somebody says it help in the attachment of muscle, right? तो बस प्रोस्थिका ही याद रखेंगे, फंक्शन वगैरह ना डिस्कस करो तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रक्चर भी ना डिस्कस करो तो कोई इशू नहीं है, बस पहचान लिया देख के कौन सा लेबियम है और कौन सा मैंडिबल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब पढ़ लेते हैं बच्चे थर्ड इज मैंडिबल कितने होंगे, दो। मैक्सिला बता देता हूं, कम ऑन, थर्ड इज मैक्सिला। देखो लेबियम और मैक्सिला ना एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट मैक्सिला कहते हैं, लेबियम को सेकंड मैक्सिला वर्ड यूज कर लेंगे। जब मैक्सिला का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, मैक्सिला को ना तीन अलग अलग पार्ट में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक होता है उसका प्रोटोपोडाइट, एक होता है एंडोपोडाइट, और फिर होता है आपके पास एक्सोपोडाइट, ठीक है। एक्सोपोडाइट पहचान लिया देख के स्ट्रक्चर के, तो स्पेसिफिकेशन खाली मैं बता दूं। अगर मैं प्रोटोपोडाइट से शुरू करूं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है काइटिन जिसको बोलते हैं कार्डो, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे स्ट्राइप्स। तो कार्डो स्ट्राइप्स मिलकर बनाते हैं आपका प्रोटोपोडाइट। फिर जब एंडोपोडाइट की बात करेंगे, एंडोपोडाइट में अंदर की तरफ यहाँ पर होता है लाइसीनिया, दिस इंटरनल पार्ट इज नोन एज लाइसीनिया, और फिर इसके पीछे की तरफ होता है गेलिया। ऑन द बैक साइड, ऑन द आउटर साइड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गेलिया।
एंड ऑन द इनर साइड दिस समथिंग कॉल्ड एज लाइसीनिया। ठीक है, ये एंडोपोडाइट की बात हो गई, डेट इज गेलिया एंड डेट इज लाइसीनिया। और लाइसीनिया ना आगे चल के, लाइसीनिया आगे चल के कुछ क्लो लाइक स्ट्रक्चर भी बना देता है। लाइसीनिया आल्सो फॉर्म सम क्लो लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। मैं बताऊंगा लाइसीनिया काम क्या होता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। ये खाने को पकड़ के देता है मैंडिबल को कि इसको मेस्टिकेट करो। फिर अगर मैं एक्सोपोडाइट की बात करूँ, एक्सोपोडाइट वुड बी फ्रॉम हेयर। लेट्स से ये जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं पेल्फाइफर, डैट पार्ट इज नोन एज पेल्फाइफर। और यहाँ से आती है आपकी स्ट्रक्चर मैक्सिली पेल्प। एंड हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन मैक्सिली पेल्प? अ टोटल ऑफ 5 सेगमेंट। लेट्स से दिस इज 5 सेगमेंटेड मैक्सिली पेल्प। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिला। व्हाट इज दिस? कार्डो। व्हाट इज दिस? स्ट्राइप्स। ये क्या बना दिया? कार्डो एंड स्ट्राइप्स क्या बनाते हैं? प्रोटोपोडाइट। गेलिया एंड लाइसीनिया क्या बनाते हैं? एंडोपोडाइट। लाइसीनिया अंदर की तरफ होगा और लाइसीनिया पे ना खूब सारे ब्रिस्टल्स भी होते हैं जो सेंसी इन नेचर होते हैं। पेल्प के ऊपर खूब सारे ब्रिस्टल्स होते हैं जो सेंसी इन नेचर होते हैं। सेंसी रिसेप्टर पेल्प पर भी होगा, लाइसीनिया पर भी होंगे। एंड दिस इज मैक्सिलरी पेल्प। अच्छा, अगर मैक्सिलरी पेल्प की बात करें, व्हाट इट डू? टच, स्मेल एंड टेस्ट, तीनों के रिसेप्टर होते हैं मैक्सिलरी पेल्प पर। लाइसीनिया क्या करता है? इट होल्ड फूड एंड पैस इट टू मैंडिबल फॉर मैस्टिकेशन। तो मेनली जो आपका अपर जो है वो मैंडिबल को देता है फूड मैस्टिकेट करने के लिए। तो दो मैंडिबल हो गए, दो मैक्सिला हो गया। अब साथ में यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, आपसे कहूँ पहचानो इसको, ठीक है? देयर इज समथिंग लाइक दिस, अ नोच इन सेंटर एंड व्हाट इज दैट? यस प्लीज, दिस इज व्हाट यू कॉल लैब्रम। इट लुक लाइक योर टीथ। लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, थ्री स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीट। अब जो लेबियम होता है उसको सेकेंड मैक्सिला ही कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ोगे, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट में क्या क्या आता है? पेल्फाइफर, पेल्फाइफर एंड मैक्सिलरी पेल्प। गेलिया एंड लाइसीनिया किसका पार्ट है? एंडोपोडाइट का। और कार्डोस्ट्राइप्स किसका पार्ट है? प्रोटोपोडाइट का। उसमें पढ़ेंगे कुछ कार्डोस्ट्राइप्स फ्यूज हो गए आपस में, एक स्ट्रक्चर बना दी। लाइसीनिया गेलिया फ्यूज हो गए आपस में, दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर पेल्फाइफर है, यहाँ पर पेल्पाइजर होगा और वहाँ पर भी आपके जो है ऐसे ही पेल्प वगैरह होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिला जैसी स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन से ही लेबियम बना है। मैक्सिला जैसी स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन से ही लेबियम बना है। अब लेबियम या सेकंड मैक्सिला भी मैं बता देता हूं आपको। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लेबियम। बच्चों जो लेबियम होता है डैट इज आल्सो अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ मैक्सिला। ऐसा कहते हैं मैक्सिला से मॉडिफाई होकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड मैक्सिला। अब जैसे मैक्सिला के अंदर पार्ट्स पड़े हैं वैसे लेबियम के बता देता हूँ। इसमें होगा एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट और फर्स्ट वुड बी प्रोटोपोडाइट। अब देखो प्रोटोपोडाइट में तीन पार्ट होंगे, सबमेंटम, मेंटम एंड प्रोमेंटम। सबमेंटम और मेंटम को मिला के बोलते पोस्टमेंटम और प्रोमेंटम या प्रीमेंटम कह देते हैं इसको, लेट्स कॉल दैट प्रीमेंटम। तो प्रीमेंटम और पोस्टमेंटम दो अलग अलग पार्ट हो गए। प्रीमेंटम बनता है कार्डो से और पोस्टमेंटम बनता है स्ट्राइप से, कार्डो एंड स्ट्राइप्स ऑफ मैक्सिला। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मिलेबियम। लेट्स से इन सेंटर हेयर इज योर मेंटम। अब मेंटम के जो ऊपर होगा डेट वुड बी योर सबमेंटम। तो ये सबमेंटम प्लस मेंटम मिलके क्या बना लेता है? सबमेंटम एंड मेंटम दे कंप्लीटली मेक्स प्रीमेंटम।
और नीचे की तरफ यहाँ पर होगा सबमेंटम है मेंटम में एक पोस्टमेंटम, और नीचे की तरफ यहाँ पर होगा लेट्स से दिस पार्ट हियर इज प्रीमेंटम, ठीक है ठीक है राइट ये हो गया आपका प्रोटोपोडाइट वाला पार्ट। फिर जो एक्सोपोडाइट होता है उसमें होता है बेटा पैराग्लोसा एंड ग्लोसा, और ये डेवलप हुआ है लाइसेनिया एंड गेलिया से, ऐसा कहा जाता है लाइसेनिया और गेलिया के जैसा है। जो पैराग्लोसा होती है वो बाहर वाली स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आउटर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैराग्लोसा, और जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होंगे उसको बोलेंगे ग्लोसा। मैं फिर कह रहा हूँ ये एनाटॉमिकल फीचर्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम वगैरह में, तो ये तो मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा, और जो अंदर वाली है वो है क्या है ग्लोसा। इनका काम वैसा ही होता है जैसे वहाँ पे काम पढ़ा लाइसेनिया का और गेलिया का, जैसे लाइसेनिया और गेलिया का काम पढ़ा था कि भाई फूड को होल्ड करती है उनको मैंडिबल वगैरह को देती हैं, कुछ ऐसा ही काम है इनका। तो ये हो गया आपका एंडोपोडाइट, और फिर यहाँ पर होते हैं स्पेशल रीजन्स जिनको बोलते हैं पैल्पाइजर, उनको बोलते हैं पैल्पाइजर, और वहाँ से अराइज होता है ये थ्री सेगमेंटेड पैल्प, फ्रॉम देयर अराइज इज थ्री सेगमेंटेड पैल्प। तो ये हो गया आपके लेबियल पैल्प, और ये हो गया पैल्पाइजर, और ये हो गया आपका मेंटम, ये सबमेंटम, और ये प्रीमेंटम। दिस इज पैराग्लोसा एंड दिस इज ग्लोसा, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी लेबियल पैल्प हैं उसके ऊपर खूब सारे ब्रिस्टल्स होते हैं, और ब्रिस्टल्स हेल्प करते हैं इन सेंसेशन, मेनली इसके पास टेस्ट और स्मेल वाले रिसेप्टर होते हैं। तो जो लेबियम होता है, जो सेकंड मैक्सिला है, वो देखने में कुछ ऐसा होता है, और एक्टिवली इन्वॉल्व तो नहीं होता है फीडिंग में, पर जब मैस्टिकेटरी और एक्शन होता है तब फूड लूज ना हो जाए तो उसको होल्ड करके रखता है। तो ये बीच में जो है ना यहाँ पे एक्शन हो मैंडिबल्स का, मैंडिबल उसको मैस्टिकेट कर रहे हैं। लेबरम, लेबियम एंड मैक्सिला सब फूड को होल्ड किए हुए हैं ताकि मैस्टिकेटरी एक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चे। जो लास्ट वाला होगा डेट वुड बी योर द लास्ट पार्ट हेयर, डेट वुड बी योर हाइपोफेरिंग्स। द लास्ट पार्ट इज हाइपोफेरिंग्स, एंड हाइपोफेरिंग्स वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से एक आपके पास क्राइटेरियन स्ट्रक्चर ये है, और इस क्राइटेरियन स्ट्रक्चर में आपके पास ना एक डक्ट आती है, देयर इज अ डक्ट जो आपका स्लाइवा लेके आ रही है, इस डक्ट को बोलते हैं इफरेंट स्लाइवरी डक्ट। दिस डक्ट इज नोन एज इफरेंट स्लाइवरी डक्ट। तो अगर आपसे पूछा गया टंग के जैसे कौन सा काम करता है तो एपिफेरिंग्स आंसर नहीं करेंगे, टंग के नीचे जैसे कौन सा काम करता है आंसर वुड बी हाइपोफेरिंग्स। तो टंग के पास ही तो आपकी स्लाइवरी डक्ट ओपन होती है, टंग के पास जो स्लाइवरी डक्ट ओपन होती है वैसे हाइपोफेरिंग्स के पास स्लाइवरी डक्ट ओपन होगी। तो बच्चों ये पढ़ लिया आपने सारे के सारे माउथ पार्ट, अब फटाफट एक क्विक रिवीजन माउथ पार्ट का, कैसे होते हैं माउथ पार्ट, प्लीज से दे आर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर प्रेजेंट देयर। दे आर ऑफ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, द फर्स्ट माउथ पार्ट आई एम मेकिंग इट हेयर एंड यू गाइज नीड टू जस्ट रिकोगनाइज दैट, अ सेंट्रल नोज, एपिफेरिंग्स, मसल्स, व्हाट इज द नेम, Somebody says labrum, done. Second, अपनी मतलब दिल में खुश हो जाते हैं आप, टीथ लाइक स्ट्रक्चर हेयर एंड ए ग्राइंडिंग पोर्शन देयर एंड देन प्रोस्थिका हेयर, एबडक्टर मसल, एडक्टर मसल, व्हाट इज द नेम, मैंडिबल, राइट। देन थर्ड, कार्डो स्ट्राइप्स, लाइसिनिया विद हुक एंड क्लॉज, गेलिया, देन पेल्फाइफर एंड देन पेल्प, व्हाट इज दैट, मैक्सिला, देन अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर, मेंटम, प्रीमेंटम, सबमेंटम एंड प्रीमेंटम, पैराग्लोसा एंड ग्लोसा, पैराग्लोसा एंड ग्लोसा, पैल्पाइजर, पैल्पाइजर,
एंड दिस इज द पैल्पियर. व्हाट इज द नेम? लेबियम. एंड देन समथिंग लाइक दिस एंड ए डक्ट इज ओपनिंग हियर. व्हाट इज द नेम? हाइपोफैरिंक्स. तो आपको लेबलिंग याद, आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना है. आपको याद रखना है कि मैंडिबल इज इन्वॉल्व इन द मैस्टिकेशन एंड कटिंग ऑफ फूड. अपर लिप, लोअर लिप, अपर जॉ, लोअर जॉ और टंग, ये पांच चीज़ें याद रखनी है. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. तो बच्चों दिस इज अबाउट द हेड पार्ट. अब हम पहुँचेंगे, वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द थोरैक्स पार्ट. कल क्लास नहीं होगा, परसों टेस्ट है आपका. मंडे को आई विल बी टेकिंग क्लास इन नारनौल, द ऑफलाइन क्लास. I don't know that would be recorded or not. If it is recorded, then the video would be sent, right? Take care. Have a good day. You guys are such a good students. Thank you, class is dismissed.